इंडियन टी20 लीग के 12वें सीजन का 5वां मुकाबला दिल्ली और चेन्नई के बीच खेला जा रहा है। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में खेले जा रहे इस मुकाबले में दिल्ली ने खबर लिखे जाने तक एक ओवर में बिना किसी नुकसान के 8 रन बना लिए हैं। शिखर धवन शून्य और पृथ्वी शॉ रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। इससे पहले दिल्ली के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है। इस मुकाबले में दोनों ही टीम को अपनी दूसरी जीत की तलाश में है। आज के मुकाबले को जीतकर दोनों ही टीमें विजयी रथ पर सवार रहना चाहेगी। चेन्नई की टीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वहीं मेजबान दिल्ली ने तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट की जगह स्पिनर अमित मिश्रा को प्लेइंग 11 में शामिल किया है। हालांकि कोटला की पिच भी धोनी की टीम चेन्नई को जीत का दावेदार बनाती है। हरभजन सिंह, रविंद्र जडेजा और इमरान ताहिर की सुपर किंग्स की स्पिन टिकड़ी बेंगलोर के खिलाफ कम स्कोर वाले मैच में अपनी उपयोगिता साबित कर चुकी है। पंत को स्पिनरों के खिलाफ परेशानी का सामना करना पड़ता है और इस युवा के साथ काफी क्रिकेट खेल चुके धोनी उनकी इस कमजोरी से वाकिफ होंगे और इसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। कोटला की पिच के मैच आगे बढ़ने के साथ ही धीमा होने की संभावना है और ऐसे में धोनी तेज गेंदबाजों के साथ गेंदबाजी की शुरुआत करके हरभजन और ताहिर को बाद के ओवरों के लिए बचा सकते हैं जब संभव तक पंत के क्रीज पर उतरने की उम्मीद है। इस प्रकार हैं दोनों टीमें। दिल्ली शिखर धवन, पृथ्वी शॉ, श्रेयस अय्यर कप्तान, ऋषभ पंत, अमित मिश्रा, राहुल तेवतिया, कागिसो रबाडा, कॉलिन इनग्राम, अक्षर पटेल, ईशांत शर्मा, कीमो पॉल। चेन्नई शेन वॉटसन, अंबाती रायुडू, सुरेश रैना, केदार जाधव, एनिस धोनी कप्तान, रविंद्र जडेजा, वेन रावो, दीपक चाहर, इमरान ताहिर, हरभजन सिंह, दीपक चहर, शार्दुल ठाकुर।